नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट वर्ल्ड में। साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट से कैसे आप अपनी एक मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, आप अपनी एक इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरीके से प्लान करके अभी से आने वाले फ्यूचर में अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए यहाँ से एक मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो का मेनली प्लान उन लोगों के लिए रहेगा जो भी अपने रिटायरमेंट के करीब हैं, यानी कि 10 से 15 सालों के अंदर वो रिटायर हो रहे हैं और अपने रिटायरमेंट के बाद एक मंथली इनकम चाहते हैं। देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसा प्लान जिसमें कि आप अभी से एक म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और कुछ समय के लिए 10 से 15 सालों के लिए अपने पैसे को लॉक करेंगे। उसके बाद वहां से आप एक मंथली इनकम भी जनरेट कर पाएंगे और साथ ही साथ जितने समय के लिए आप अपने उस मंथली इनकम को जनरेट कर रहे हैं उसके बाद आपको एक अच्छी खासी मैच्योरिटी भी देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए दोस्तों वीडियो का बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो का पर्पस बनाने का यही है कि आपको इस इन्वेस्टमेंट प्लान को काफ़ी आसान और सरल भाषा में समझाया जा सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड लेकर चलेंगे जिसका कि हम पूरा एक ओवरव्यू करेंगे जिसमें कि आप अपनी अभी से एक इन्वेस्टमेंट को प्लान करेंगे। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम जो म्यूचुअल फंड लेकर चलेंगे वो हमारा रहेगा ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड टैप फंड। देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के पूरे एक एनालिसिस की। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे इसके फंड साइज की। तो देखिए अगर हम बात करें फंड साइज की तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 35,122 करोड़ रुपए का। बात करें अगर एक्सपेंस रेशियो की तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 1.02% का। वहीं अगर हम बात करें एग्जिट लोड की तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 1% का। देखिए दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड का फंड साइज हमें ये बताता है कि लोगों द्वारा अभी तक उस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा चुका है। अगर बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो ये वो खर्चे होते हैं जो किसी भी फंड मैनेजर द्वारा उस फंड को मैनेज करने के लिए लिए जाते हैं। ये जितना कम रहेगा उतना फ़ायदा आपको उस म्यूचुअल फंड में होगा। अगर बात करें एग्जिट लोड की तो देखिए अगर आप एक साल से पहले अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको एग्जिट लोड का चार्ज देना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के मार्केट कैप की। देखिए अगर हम सबसे पहले बात करें एसेट एलोकेशन की तो जो यहाँ पर आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा वो यहाँ पर इन्वेस्ट होगा 72.8% का। अगर बात करें डेप की तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी 23.9% की। बाकी का इन्वेस्टमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट्स में यहाँ पर इन्वेस्ट होता हुआ हमें नज़र आएगा। देखिए दोस्तों डेप में आपका 23.9% पैसा इन्वेस्ट होगा, यानी कि 23% पैसा आपका गवर्नमेंट स्कीम्स और बॉन्ड्स में यहाँ पर आपको इन्वेस्ट होता हुआ नज़र आएगा। वहीं 72% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा रिस्क तो लेकर चलना ही होगा। अगर आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं तो थोड़ा रिस्क तो आपको यहाँ पर लेकर चलना ही होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इक्विटी के मार्केट कैप की तो देखिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हमें लार्ज कैप में देखने को मिलता है जो कि रहेगा 62.77% का। वहीं अगर हम बात करें मिड कैप की तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा 5.5% का। अगर बात करें स्मॉल कैप की तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा 4.49% का। देखिए दोस्तों मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में यहाँ पर हमें इन्वेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि सेबी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जिन कंपनीज की रैंकिंग 1 से लेकर 100 तक होगी, यानी कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज जो हैं सभी लार्ज कैप कैटेगरी में आती हैं, और ऐसी कंपनीज जिनकी रैंकिंग 101 से लेकर 250 तक होती है वो सभी जो है मिड कैप कैटेगरी में आती हैं। बाकी की कंपनीज जिनकी रैंकिंग 251 से लेकर 500 तक होती है वो सभी जो है स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के बारे में। तो देखिए अगर हम यहां पर बात करें पास्ट के 10 ईयर रिटर्न्स की इस म्यूचुअल फंड के तो वो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं 19.43% के।
काफ़ी बढ़िया हमें यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड के पास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूँ इस म्यूचुअल फंड के टॉप सेक्टर्स के बारे में, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं फाइनेंशियल, जिसमें कि हमें मैक्सिमम इन्वेस्ट होता हुआ नज़र आता है। बाकी का एनर्जी, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, काफ़ी अच्छे हमें इस म्यूचुअल फंड के टॉप सेक्टर्स देखने को मिलते हैं और एक अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ पास्ट में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कि कितना पैसा आप अभी से अपना इन्वेस्ट करें ताकि फ्यूचर में वहाँ से आप एक मंथली इनकम जनरेट कर पाएँ। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर अब बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे लमसम कैलकुलेटर की। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर जो है एक सर्टेन अमाउंट अपनी इन्वेस्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर जो है जो अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे वो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे 3 लाख रुपए का। अगर बात करें रिटर्न्स की, तो देखिए मैं यहाँ पर 14% के रिटर्न लेकर चलूँगा। देखिए हो सकता है कि फ्यूचर में आपको 14% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स देखने को मिले, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती। पास्ट के रिटर्न्स हमें कभी भी फ्यूचर के रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं देते, इसलिए मैं यहाँ पर रिटर्न्स थोड़े कम ही लेकर चलूँगा। अगर बात करें कितने समय के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करेंगे, तो हम यहाँ पर 15 ईयर्स का टाइम पीरियड लेकर चलेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम 15 सालों के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो पैसे की वैल्यू है वो यहाँ पर बनेगी 21 लाख रुपए की, 21.41 लाख की हमें यहाँ पर अपने पैसे की वैल्यू देखने को फ्यूचर में मिलेगी। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात करेंगे SWP प्लान की, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जिसमें कि आप अपने इस अमाउंट को यहाँ पर इन्वेस्ट करके फ्यूचर में वहाँ से एक अच्छी खासी रकम बना पाएंगे। देखिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो मंथली अपना पैसा रिडीम करेंगे, मंथली जो अपनी एक इनकम जनरेट करेंगे, वहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि आप 10% से ज़्यादा अपना पैसा यहाँ पर रिडीम ना करें। देखिए, अगर आप अपने SWP प्लान में यहाँ पर 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो देखिए 10% से ज़्यादा आप पैसा रिडीम ना करें। देखिए हो सकता है कि अगर आप फ्यूचर में 12-13-14% का पैसा रिडीम कर रहे हैं और फ्यूचर में हमें रिटर्न्स थोड़े जो है नेगेटिव देखने को मिले, थोड़े कम देखने को मिले, तो इससे क्या होगा, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, जो ये 20 लाख रुपीज़ आप यहाँ पर अपने SWP प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी वैल्यू कम होने लगेगी। इसलिए आप कोशिश करें कि जो है अपना 10% से ज़्यादा पैसा रिडीम यहाँ पर ना करें। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं SWP प्लान के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पैसा जो अपना यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे वो हम यहाँ पर करेंगे 20 लाख रुपये का। अब हम बात करते हैं कि कितना पैसा आप यहाँ पर मंथली अपना जो है बना सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर एक मंथली इनकम जनरेट नज़र आए। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर जो पैसा मंथली इनकम जनरेट लेकर चलेंगे वो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे 16,000 रुपये की। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर रिटर्न्स की, तो देखिए मैं यहाँ पर रिटर्न्स जो हैं 12% के लेकर चल रहा हूँ। रिटर्न्स में यहाँ पर जस्ट फॉर अ सेफ साइड रिटर्न्स थोड़े कम ही लेकर मैं चल रहा हूँ। अगर बात करें कितने समय के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को करेंगे, तो वो हम पीरियड यहाँ पर 15 ईयर्स का लेकर चलेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हमने यहाँ पर जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो हमने यहाँ पर किया है 20 लाख रुपए का, और जो हमने मंथली यहाँ पर अपने पैसा रिडीम किया है वो किया है 16,000 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ रिटर्न्स की, रिटर्न्स हम 12% के लेकर चले हैं, 15 ईयर्स के लिए हम यहाँ पर जो है अपनी ड्यूरेशन लेकर चले हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप जो है अपना जो है 15 सालों तक आप यहाँ पर अपने जो है मंथली एक इनकम जनरेट कर पाएंगे, जो कि रहेगी, जिसकी अमाउंट रहेगी 16,000 रुपये की। और साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पर 15 सालों के लिए अपने एक इन्वेस्टमेंट को प्लान किया है, 15 सालों के लिए अपनी इस इन्वेस्टमेंट को किया है, तो 15 सालों बाद आपको एक मैच्योरिटी भी अपने पैसे को देखने को मिलेगी, जो कि रहेगी 34 लाख की। जी हाँ दोस्तों, देखिए 15 सालों तक आप एक अपनी मंथली इनकम भी जनरेट कर पाएंगे, और 15 सालों बाद आपको 34 लाख रुपीज़ की एक मैच्योरिटी भी फ्यूचर में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारा काम अच्छा लगे, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, किसी तरह कोई पोर्टफोलियो एनालिसिस है जो कि आप हमारे चैनल पर चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आपके लिए बनाई गई है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई एडवाइस ये वीडियो नहीं देता है। बाकी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।